दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वैब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। बिजली ट्रांसफार्मर सामान चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। ननौता पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक पिकअप गाड़ी, 100 लीटर ट्रांसफार्मर व उनके चोरी के उपकरण अवैध तमंचा सहित हजारों रुपए की नकदी बरामद की है। पकड़े गए 3 शातिर बदमाशों का सहारनपुर के कई थानों पर आपराधिक इतिहास रहा है। बता दें कि गत 1 दिसंबर की रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा नगर के गंगो रोड स्थित कब्रिस्तान के निकट से विद्युत विभाग का 250 केवी का ट्रांसफार्मर खोलकर उसमें से सामान्य तेल चोरी कर लिया गया था। वहीं आज पुलिस ने 3 अभियुक्तों को तोयब ओमवीर संजय को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कुएं में गिरे सांड को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से निकाला। ननौता क्षेत्र के गांव पठानपुरा से बेसहारा गोवंश खेत में बने कुएं में जा गिरा। मौके पर पहुंची थाना पुलिस व ग्रामीणों की मदद से बमुश्किल सांड को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा थाना पुलिस टीम को भी धन्यवाद व्यक्त किया गया। AIMIM पार्टी के प्रत्याशी लाल बत्ती व हुटर लगाकर कर रहे चुनाव प्रचार प्रसार, नियमों की उड़ रही है धज्जा, वीडियो हुआ वायरल। सहारनपुर बेहट विधानसभा से AIMIM के प्रत्याशी मिर्जापुर क्षेत्र में गाड़ियों का काफिला साथ लेकर कर रहे हैं चुनाव का प्रचार प्रसार। गाड़ियों के काफिले के आगे एक गाड़ी आगे चल रही है जिस पर सभी नियम कानून ताक पर रख लाल बत्ती व हुटर लगा है। रात के समय उक्त काफिला मिर्जापुर क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा था। लाल बत्ती लगी गाड़ी बनी चर्चा का विषय। वहीं आपको बता दें कि तेज आवाज में हुटर बजा रही गाड़ी व लाल बत्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पूर्व MLC आशु मलिक बोले 2022 में आने वाली समाजवादी की सरकार। सड़क दूधली में हुआ आशु मलिक का ढोल नगाड़े बजाकर जोरदार स्वागत। निष्काम ऑफिस स्थित सड़क दूधली में समाजवादी कार्यकर्ताओं व सड़क दूधली के वासियों ने डॉक्टर मोहम्मद मुस्तकीम की अध्यक्षता में पश्चिम प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व MLC आशु मलिक का फूल मालाए व ढोल नगाड़े बजाकर जोरदार स्वागत किया। वही इस दौरान देखे पूर्व राज्य मंत्री आशु मलिक ने मीडिया से क्या कहा। सोमवार को दिल्ली रोड स्थित अशोका बैंकेट हॉल परिसर में बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रविंद्र कुमार मोहलो ने कहा कि भाजपा सरकार हर मुद्दे पर विफल रही है। प्रदेश में आए दिन लूट, डकैती, हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री व पार्टी के नेता राम राज्य स्थापित होने का दावा करते हुए घूम रहे हैं। उन्होंने बसपा शासनकाल की योजनाओं को गिनाते हुए कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से परिचित कराते हुए चुनावी तैयारियों में जी जान से जुटने की अपील की। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के जन्मदिन पर गरीबों को किए गए कंबल वितरित। रालोद कार्यकर्ताओं द्वारा रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के जन्मदिन पर रेलवे स्टेशन पर गरीबों को निशुल्क कंबल वितरित किए गए। निशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम में रालोद के वरिष्ठ नेता हाजी सलीम कुरैशी ने कहा कि ठिठुरन भरी ठंड में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के जन्मदिन पर निशुल्क कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं देखिए राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश उपाध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए। हम हाजी सलीम है, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का जन्मदिन है, 43वां। उसको आज हमने सबने पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी धीर सिंह और सभासद वसीम अजी नदीम हमने सबने मिलकर गरीब आदमी को कंबल वितरण करके और मिठाई के साथ में उनका जन्मदिन मनाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करता हूं और धन्यवाद। कितने लोगों को कंबल बांटेंगे? कंबल काफ़ी लोगों को दिए यहाँ से, और भी हमारा प्रोग्राम है नुकुड़ में, इधर उधर देने का ना आज, और भी कंबल दें जी। बताएं, चौधरी धीर सिंह, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। आज क्या कार्यक्रम है? आज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का 43वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर उनके अनुयायी सब जगह इसी तरीके से मिष्ठान वितरण कर केक काट करके और गरीब जरूरतमंदों को रजाई और कंबल बांट करके उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक दिन हमारे नेता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने, हमारी भी उनको उम्र लग जाए। हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया
कराया गया प्रसाद का वितरण हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गुरु गोविंद साहिब जी के साहिबजादों व माता जी की शहादत को याद कर अंबाला रोड स्थित स्टॉल लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें से कई लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष परम बत्रा ने मीडिया से इस दौरान क्या कहा, सुनिए। आज क्या प्रोग्राम था? आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरा सप्ताह जो है शहादत का सप्ताह चल रहा है। हमारे शहादत माता जी की शहादत, माता जी को चार साहब स्वामी की शहादत का जो दिवस चल रहा है, हमने उसी के 27 दिसंबर को ये एस टी सी जनसेवा को समर्पित की है। हम लोग सरकारी हॉस्पिटल से रोजाना शाम को 7 बजे कल से आज का हमारा दिन सेवा में आ जाए लंगर सेवा चलेगी, तो कल से हम लोग वहाँ से रोजाना शाम 7 बजे 10 रुपये में दाल चावल अचार सलाद रोटी ये सब चीज़ें वहाँ पे लोगों के अनोज लगेगी। हाँ, ये रोजाना लगेगी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि रात का हमारा मकसद क्यों है, क्योंकि जहाँ तक पिछले 6 महीने से हम लोग इसका स्टडी कर रहे थे कि किस टाइम पर शुरू करें कैसे करें, तो मोस्टली हम लोगों द्वारा सारी टीम के द्वारा ये देखा गया कि जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं इस चीज़ पर दिन में काम कर रही हैं। और हम पिछले 4-5 सालों से बताऊँ सेवास शिविर कोटेश्वर महादेव मंदिर की सुरक्षा को डीएम से मिले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बाबा कोटेश्वर महादेव मंदिर की सुरक्षा व भू माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि प्राचीन सिद्ध पीठ बाबा कोटेश्वर महादेव मंदिर में सार्वजनिक धार्मिक आकर्षक भूमि आज तक दर्ज चली आती है। चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द ही इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की तो हिंदू संगठनों के लोग आंदोलन करने को विवश होंगे। वहीं इस दौरान देखिए बजरंग दल प्रांत प्रमुख कपिल मोहड़ा ने क्या कहा। कपिल प्रांत बलोपासना प्रमुख बजरंग दल, गोटेश्वर महादेव मंदिर का प्रकरण चला हुआ है और पिछले वर्ष जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उक्त मंदिर को खोलकर और उसकी चाबी विश्व हिंदू परिषद को दी गई थी। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा उसको समाज को सौंप दिया गया, जबकि वो मंदिर एक सरकारी भूमि में 125 साल पहले से ही बना हुआ है, जिसके समस्त रिकॉर्ड हमारे पास है। तो कुछ भूमाफिया किस्म के लोगों के द्वारा एक फर्जी कमेटी बनाकर और अब उस मंदिर पर दावे किए जा रहे हैं कि ये मंदिर हमारा है, और उसी प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय को पूरा मामला अवगत कराने के लिए आए थे। समस्त तथ्य हमारे पास है और मंदिर सरकारी भूमि में स्थित है, तो उसकी फिर ट्रस्ट कोई कैसे बना सकता है, ये एक सोचने का विषय है। इसलिए जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं, पूरा मामला अवगत कराकर इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कार्यवाही कराई जाएगी। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वैब को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं फॉलो जरूर कीजिएगा।